टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में एचपीसी स्टेडियम धर्मशाला में एक हाथ मैच करवाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए देश भर में चयनित 7 स्थानों में से धर्मशाला को भी प्राथमिकता रखा जाएगा। ये बात एचपीसी स्टेडियम धर्मशाला में बीसीसीआई के वित्त सचिव अरुण धूमल ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण खेल जगत को काफी नुकसान हुआ है, बावजूद इसके कोविड-19 के बीच बीसीसीआई ने आईपीएल का सफल आयोजन करवाया है। इसके अलावा अब देश की टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 के खेल कैलेंडर में बहुत कम मैच भारत में होने प्रस्तावित हैं। इसमें जहां फरवरी माह में इंग्लैंड की टीम भारत के दौर पर होगी, वहीं इसके बाद आईपीएल का सीजन शुरू होगा। साथ ही वर्ष 2021 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करेगा। उन्होंने बताया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो टी20 वर्ल्ड कप के मैच करवाने के लिए देश भर में 7 स्टेडियमों का चयन किया जाएगा। वहीं अगर स्थिति इसके विपरीत होती है तो स्टेडियमों की संख्या 4 तक ही सिमट सकती है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के लिए प्रस्तावित 7 स्टेडियमों में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन धर्मशाला स्टेडियम को भी स्थान मिले। इसके लिए वे प्रमुखता से प्रयास करेंगे। हिंदुस्तान में वैसे ही बहुत कम मैचेस हैं जो एफटीपी फ्यूचर टूर प्रोग्राम तय हुआ है। इंग्लैंड सीरीज के बाद शायद ही कोई टूर्नामेंट यहाँ हो, क्योंकि उसके तुरंत बाद आईपीएल होगा, उसके बाद शायद एशिया कप होगा और उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप है। तो बायलैटरल मैचेस अगले साल के कैलेंडर में वैसे ही हिंदुस्तान में बहुत कम सीरीज़ हैं। हिंदुस्तान की टीम को बाहर ही जाना है जो थोड़े बहुत टूर्नामेंट हैं। लेकिन सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो टूर्नामेंट अगले साल होने जा रहा है वो टी20 वर्ल्ड कप है। तो अगर जैसा मैंने कहा कि मेरा प्रयास ये है कि 1 of the 7 वेन्यूज़ में धर्मशाला का नाम आए, तो अगर वो आता है तो निश्चित तौर पर मैचेस धर्मशाला को मिलेंगे। उसके लिए हमारा प्रयास तो है, लेकिन उसमें फ्रेंचाइजी का बहुत बड़ा रोल होता है। जो किंग्स 11 पंजाब है उसका होम ग्राउंड वैसे मोहाली है, लेकिन तब अनुराग जी ने प्रयास किया और बहुत जोर लगाया, उस वजह से किंग्स 11 पंजाब ने इसको एक एडिशनल ग्राउंड के रूप में लिया और यहाँ मैचेस का आयोजित किया गया। उसके बाद लगातार हमारी चर्चाएं होती रहीं, लेकिन उनके कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस फ्रेंचाइजी के तब के दौर के रहे हैं। जो उनकी अपेक्षा थी तब की सरकारों से वो नहीं हुई, इस कारण से वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि स्टेडियम की कैपेसिटी वैसे ही कम है, ऊपर से आप इतना ज़्यादा दबाव बनाएं, उनको अपना फाइनेंशियल मॉडल भी देखना होता है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। फिर भी हमारा प्रयास है कि अगर हो सके तो उनको वापस लाया जाए, लेकिन उसके लिए हमें प्रदेश के नाते ये तय करना होगा कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर ऐसे मैचेस के कारण, ऐसे आयोजन के कारण पूरे प्रदेश की आर्थिक गतिविधि को लाभ मिलता है, टूरिज्म को लाभ मिलता है, प्रदेश को एक पहचान मिलती है, तो हम छोटे मोटे राजनीतिक मुद्दों की लड़ाई ना बनाएं और प्रदेश के भले के लिए इन चीज़ों का स्वागत करें।